नमस्कार, मैं हूं विकास रतूड़ी और आप देख रहे हैं टीएनएन उत्तराखंड न्यूज। लॉकडाउन के चलते ऐसे भी लोग हैं जो रख रहे हैं फ्रंट लाइनरों का ख्याल। मुनिग्रहती क्षेत्र से ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे बढ़कर काम करने वाले डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों का ख्याल रख रहे हैं। लॉकडाउन के चलते सड़कों पर डॉक्टर और पुलिस लगातार सेवा दे रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा पुलिस कर्मियों को और डॉक्टरों को है। इसको देखते हुए कोरोना वर्चस्व जो डॉक्टर और पुलिस के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को टैबलेट, फल एवं एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना की लड़ाई में डॉक्टर और पुलिस सबसे आगे बढ़कर सेवा दे रहे हैं। इसीलिए संक्रमण का अगर खतरा है तो डॉक्टर मेडिकल स्टाफ द्वारा पुलिस कर्मियों को है। गोपाल सिंह चौहान, उनका जो है शुरू के लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट में हमारा बहुत ही सहयोग किया है। उनके द्वारा में टेंट दिया गया, शुरू में टेंट दिया गया है। डेली भोजन की व्यवस्था दोनों टाइम जो है यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए की जा रही है। प्लस आने जाने वाले राहगीरों के द्वारा डेली 30 से 35 पैकेट दिए जा रहे हैं। और आज उनके द्वारा जो है मतलब हमारे स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ और एनर्जी ड्रिंक वगैरह दिए हैं और कुछ फल भी जो है हम मेरे चौकी में तैनात सभी सिपाहियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिए गए। जी, ये बहुत अच्छी पहल है। हमें लगता है कि मतलब हम तो काम कर रहे हैं लेकिन ये भी उस निर्धारित समय में आकर जो है एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं और ये इसके लिए बधाई के पात्र। अपना परिवार व्यवहार की लगी हुई इस जनता के लिए लगी, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी पुलिस का ध्यान रखें। और स्वास्थ्यकर्मी हैं और जितने भी लोग यहाँ पे और हैं, हम लोग रोजाना 200-600 पैकेट के करीब खाना बना रहे हैं और रॉ मटेरियल भी हम लोगों को दे रहे हैं। जो मजदूर तबके के हैं, जिनको जरूरत है, उन सबकी पूर्ति हम करने की कोशिश करें।